आज के सेशन में हम लोग देखने वाले इनकम टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। इसमें मैं आपको बताऊं कि ऐसी इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन से होती है उस पर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है आज हम इस सेशन में पूरा सीखेंगे। मैं हूं असद अंसारी, द फाउंडर ऑफ बी सिंडिकेट। एंड बाय द बी सिंडिकेट वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, TDS, GST एंड ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग मोर देन 200 सर्विसेज। और ये सारी सर्विसेज आप भी प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप इस सारी चीज़ों को मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में सीख लो। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम लोग। मैं अगर आपको कुछ सेशंस की हाईलाइट अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं टैक्स के जो स्लैब्स है 2021 के लिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इनकम पे। उसके बाद में रिबेट 87A का बेनिफिट के लिए कौन एलिजिबल होता है, कौन इसका बेनिफिट ले सकता है। और बाद में जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मीन्स जो टैक्स ऑन टैक्स होता है 4%, वो किस तरीके से हमको चार्ज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ जो टैक्स का स्लैब हम लोग देखने जा रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है, मींस 1 अप्रैल 2020 से जो ईयर स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2021 पे जो अभी खत्म हुआ है। और ये टैक्स स्लैब जो है ये अदर देन सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए है। सबसे पहली चीज़, अगर किसी SSC की इनकम 2,50,000 तक है तो इसको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। बट अगर उसी SSC की इनकम 2,50,000 से ज़्यादा हो जाए और 5 लाख के बीच में आ जाए तो जो भी इनकम यहाँ से यहाँ के बीच में आ गई उसके ऊपर 5% के रेट से टैक्स पे करना होता है। बट अगर किसी SSC की इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाए और 10 लाख के बीच में आ जाए, हो सकता है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, व्हाटएवर, बट 10 लाख से कम होना चाहिए, तो ऐसी इनकम के ऊपर 20% के रेट से टैक्स पे करना होता है। समटाइम वॉट हैपन कि SSC की इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा होती है, ऐसे केस में जो भी इनकम 10 लाख के अबव चले गई है उसके ऊपर 30% के रेट से टैक्स पे करना होता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई एक SSC है जिसकी इनकम है 4,50,000। अब जैसे कि हमने टैक्स स्लैब में देखा कि 2,50,000 रुपये तक के हमको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। 4,50,000 रुपीज़ में से 2,50,000 को लेस करेंगे तो बचेगा आपका 2 लाख। अब इस 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स चार्ज करना है @ 5% के रेट से। तो जब आप 2 लाख का 5% लोगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब जो भी टैक्स आता है उसके ऊपर हमको 4% के रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना होता है, जो कि मैंने यहाँ को आपको बताया हुआ है। यानी 5% टैक्स प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, यहाँ पे भी 4% और यहाँ पे भी 4%। अब जो भी टैक्स आया है उसके ऊपर आप चार्ज करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4% से। तो जब हम लोग 10,000 का 4% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400 रुपीज़। दोनों को टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10,400। तो ये आ जाता है आपका टोटल टैक्स। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी SSC की इनकम है 5 लाख। तो अभी हमने टैक्स स्लैब में देखा कि 0 से लेकर 2,50,000 तक के कोई भी टैक्स नहीं लगता है ना। बट अगर किसी SSC की इनकम 2,50,000 के ऊपर चले जाए और 5 लाख के बीच में आ जाए तो इसको ऊपर उनको 5% के रेट से टैक्स पे करना होता है। अब यहाँ देखो 5 लाख है तो 5 लाख का मतलब ये हुआ कि इनको 5% के रेट से टैक्स पे करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2,50,000 इसमें से लेस कर देंगे। 2,50,000 लेस करने का रीज़न ये है कि 2,50,000 तक के कोई भी टैक्स नहीं लगता, मतलब ये इनकम जो है टैक्स से बाहर है। 5 लाख में से 2,50,000 को लेस कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2,50,000। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स @ 5%। जब आप 2,50,000 के ऊपर 5% के रेट से टैक्स चार्ज करोगे तो ये आ जाएगा 12,500। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। यानी हम 4% के रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करेंगे। जब आप 12,500 के ऊपर 4% चार्ज करेंगे तो ये आ जाएंगे अराउंड 500। फिर दोनों के टोटल लगा दो या फिर 13,000। ये होता है टैक्स कैलकुलेशन का तरीका। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज अगर किसी SSC की इनकम है 9 लाख रुपीज़। अब 9 लाख रुपीज़ क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा है और अभी हमने टैक्स स्लैब में देखा हमको 2,50,000 तक के कोई टैक्स पे करना नहीं है, बाद में 5 लाख रुपीज़ तक के जो इनकम है उस पर 5%। अब यहाँ पे देखो 9 लाख रुपीज़ क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा है तो जो भी इनकम 5 लाख के अबव चली गई है, जो भी इनकम यहाँ पे देखिए 5 लाख के अबव चले गई है उसके ऊपर आपको 20% के रेट से टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे दो पार्ट कर लेते हैं इसके। पहला 5 लाख जिस पे हमको 5% के रेट से टैक्स पे करना है, दूसरा है 4 लाख जो 5 लाख के ऊपर चला गया है तो इसके ऊपर हमको टैक्स पे करना होगा 20% के रेट से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2,50,000 को यहाँ से लेस करेंगे। लेस करने के बाद में बचेगा 2,50,000। तो जब 2,50,000 आए उसके ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे @ 5% के रेट से।
जब इसका हम लोग टैक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12,500। अभी हमने यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज नहीं किया है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे 4 लाख के ऊपर हम लोग 20% के रेट से टैक्स चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000। अब दोनों को क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे, मतलब 80,000 प्लस 12,500 दोनों के टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 92,500। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। जब हम लोग यहाँ पे 4% के रेट से एजुकेशन सेस चार्ज करेंगे तो वो आ जाएगा 3,700। ये टोटल हो जाएगा 96,200। यहाँ पे हमने देख लिया 5% का रेट और 20% का रेट। अब हम लोग देखते हैं तीनों, मतलब जहाँ पर मैं अभी तीसरे एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे 5% और 20% और 30% भी तीनों आ जाएगा। अभी हमने देखा ये दोनों को, अब हम लोग देखते हैं ये तीनों को। मैं थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी एसएससी की इनकम है 13,50,000। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने अभी टैक्स स्लैब देखा था, 0 से लेके 2,50,000 तक के कोई टैक्स नहीं था। बट अगर किसी एसएससी की इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है और 5 लाख के बीच में है तो यहाँ पे हमको 5% के रेट से टैक्स पे करना था। बट अगर किसी एसएससी की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 5 point something जो भी है, और 10 लाख के बीच में, तो यहाँ पे 20% के रेट से टैक्स पे करना था। बट अगर एसएससी की इनकम 10 लाख के ऊपर है तो जो भी इनकम 10 लाख के अबव चले गई है उसको 30% के रेट से टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, इसका तीन पार्ट है। सबसे पहले 5% है जो लेके 0 से लेके 5 लाख तक के आ रहा है, मतलब ये वाला है ना। उसके बाद इसके बीच का जो 5 लाख है यहाँ पे हमको टैक्स पे करना है 20% के रेट से। और उसके बाद में जो भी इनकम 10 लाख के अबव चले गई, अब देखिए यहाँ पे 10 लाख के अबव कितना गया है, 3,50,000। 10 लाख के अबव जो 3,50,000 चला गया है उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना है 30% के रेट से। अब हम क्या करते हैं, आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2,50,000 को लेस करेंगे। 2,50,000 को लेस करेंगे तो ये 2,50,000 बचेगा। अब इसके ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे एट द रेट 5% के रेट से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो जब हम लोग 2,50,000 के ऊपर 5% के रेट से टैक्स चार्ज करेंगे तो ये आ जाएंगे 12,500। बाद में 5 लाख के ऊपर 20% हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज। और उसके बाद में 3,50,000 के ऊपर हम लोग 30% के रेट से टैक्स चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 1,05,000। बाद में क्या करेंगे, तीनों की टोटल लगा लेंगे, ठीक है, मतलब 1,05,000, फिर यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 12,500। जब हम तीनों पे टोटल लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 21,750। फिर जो भी आ गई आपका ये टोटल टैक्स हो गया। अभी टोटल टैक्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। जब हम लोग 2,17,500 के ऊपर सेस चार्ज करेंगे 4% के रेट से तो ये आ जाएगा 8,700। बाद में दोनों के टोटल लगा लें, जब इसकी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,26,200। सो ये था हमारा टैक्स कैलकुलेशन का पूरा तरीका। सो हमने अभी यहाँ सीखा कि 2,50,000 तक के कोई टैक्स पे करना नहीं है, बाद में 5%, बाद में 20%, बाद में 30%, और जो भी टैक्स आ रहा है उसके ऊपर 4% के रेट से हम लोग वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को चार्ज कर रहे थे, जो टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना होता था। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, एक टैक्स है जो भी टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा रिबेट 87A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टैक्स कैलकुलेशन के अंदर, मीन्स ये वो चीज़ है, आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों का बोलना ये होता है कि 2,50,000 के ऊपर किसी को भी टैक्स पे करना नहीं होता। मतलब लोग ये बोलते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मीन्स जो टैक्स के जो स्लैब है 5 लाख तक के, किसी को टैक्स पे करना नहीं होता है। लेकिन लोगों का बोलना गलत है क्योंकि वो उन्होंने रिबेट 87A को समझा ही नहीं है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ रिबेट 87A बेसिकली होता क्या है। हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक नहीं मैं आपको कंपेरेटिवली 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले सपोज किसी एसएससी की इनकम है 5 लाख रुपीज, है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2,50,000 के यहाँ से लेस करते थे और जो बचता था 2,50,000 इसके ऊपर टैक्स चार्ज करते थे एट द रेट 5% के रेट से। तो इसके जब हम लोग इसके ऊपर टैक्स चार्ज करते थे ये आता है 12,500। अब दूसरे एसएससी की इनकम है 5,05,000। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके दो पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्यों, क्योंकि 5 लाख के ऊपर जो भी इनकम चली जाती है उसके ऊपर 20% के रेट से टैक्स पे करना होता है। तो 5 लाख तक के जो भी इनकम है, यानी जो 5 लाख तक के जो भी इनकम है इसके ऊपर हम लोग 5% के रेट से टैक्स चार्ज करेंगे। और जो इनकम 5 लाख के अबव चले गई है, मतलब जो 5,000 5 लाख के अबव चले गया उसके ऊपर हम 20% के रेट से टैक्स चार्ज करेंगे। तो जब हम लोग 5 लाख के ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे 5% के रेट से तो ये आ जाएगा 12,500।
जो अभी अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है। बट जब हम लोग 5000 के ऊपर 20% के रेट से चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। बाद में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 13,500। अब मेरा मेन यहाँ तक के बताने का जो पर्पस था, डिबेट 87A जो है उसका बेनिफिट वो ले सकता है जिसकी इनकम 5 लाख तक है या उससे कम है। मतलब हो सकता है किसी एसएससी की इनकम है 4 लाख, हो सकता है किसी एसएससी की इनकम है 4,99,990 रुपीज़, ठीक है, वो ये बेनिफिट ले सकता है। या उसकी इनकम अगर 5 लाख है तो वो ये बेनिफिट ले सकता है। बट अगर एसएससी की इनकम एक थोड़ा सा भी बढ़ जाती है इससे, ठीक है, तो उसको रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी इस केस में देखो, ये एसएससी की इनकम है 5 लाख रुपये तक है, तो अब इसको रिबेट 87A का बेनिफिट मिलेगा 12,500 का, जो मैंने आपको यहाँ बताया 12,500, और वो उसके टैक्स में से लेस हो जाएगा। मतलब क्या होता है, लेस रिबेट 87A, और वो यहाँ से लेस हो जाएगा, इसका टैक्स हो जाएगा नील। अब यहाँ पे देखिए, ये एसएससी की इनकम 5000 ज़्यादा है, मतलब 5 लाख से 5000 यहाँ ज़्यादा हो गई है, तो इसको रिबेट 87A का जो बेनिफिट है, मतलब 87A का जो बेनिफिट है इसको नहीं मिलेगा, और इसको टैक्स पे करना पड़ेगा पूरा। अब यहाँ पे आप गौर करो, दोनों की इनकम में जस्ट 5000 का ही डिफरेंट है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका टैक्स नील हो जा रहा है, इसको कुछ भी टैक्स पेबल नहीं आ रहा है, और यहाँ पे इसको टैक्स भरने के लिए आ रहा है 13,500। तो ये था रिबेट 87A। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के ऊपर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कितनी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, बाद में किस तरीके से हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स को चार्ज करते हैं, और रिबेट 87A का बेनिफिट कौन ले सकता है। तो अगर फ्रेंड्स आप टैक्सेशन को डिटेल में सीखना चाहते हैं, मीन्स अगर आप टैक्स सीखना चाहते हैं कि टैक्स इनकम टैक्स क्या होता है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसमें पर्सन के डेफिनेशन क्या क्या है, कंपनीज क्या होती है, क्या टैक्स के जो डिटेल में स्लैब्स है जो कंपनीज के लिए क्या है और अदर देन कंपनी के लिए क्या है, बाद में जो इनकम के 5वें हेड होते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है या अदर सोर्स है, तो जो 5वें हेड की इनकम जो होती है उसको किस तरह का कंप्यूट किया जाता है, और एक डिडक्शन किस तरीके से लिया जाता है, मतलब 80C से लेकर 80U तक के जो डिडक्शंस हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं, बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पे करना होता है, एडवांस टैक्स क्या होता है, TDS क्या होता है, और रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होता है। अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो TDS है, जिसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से जाना जाता है, अगर आप उसको डिटेल में सीखना चाहते हैं, जैसे कि बेसिकली TDS क्या होता है, कौन कौन से पेमेंट के ऊपर वो एप्लीकेबल होता है, बाद में पैन और टैन के एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, TDS का जहाँ ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं उसकी क्या इंटरफेस के फीचर्स है, बाद में TDS का जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, उसका पेमेंट करना, उसकी ड्यू डेट्स, बाद में उसको किस तरीके से फाइल किया जाता है, और फाइल करने के बाद में कुछ एरर हो जाए तो उसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, इसके अलावा फॉर्म 16 को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं और आप अपने फील्ड के टॉप 20% लोगों में से रहना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए वाया व्हाट्सअप, या हमें कॉल कर सकते हैं और डिटेल।